ये है दिल्ली दर्पण। मनुस्मृति एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि इस बार मनुस्मृति की चर्चा JNU के बजाय दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रही है, क्योंकि DU प्रशासन ने लो फैकल्टी का वो प्रस्ताव खारिज कर दिया है जिसमें कानूनी पाठ्यक्रम के तहत मनुस्मृति पढ़ाने की बात कही गई थी। इसे लेकर DU में कई दिनों से बवाल मचा था। दिल्ली विश्वविद्यालय के LLB छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखे जाने की खबरों के बाद कुलपति योगेश सिंह ने भी दो टूक कह दिया कि सुझाव को खारिज किया जाता है। आज फैकल्टी ऑफ लॉ का एक प्रपोजल दिल्ली विश्वविद्यालय को आया जिसमें उन्होंने ज्यूरिसप्रूडेंस 1 एक कोर्स है और उसमें थोड़े से चेंजेस किए, और एक जो चेंज था वो था मेधातिथि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड लॉ, और इसको पढ़ाने के लिए दो सजेस्टिव टेक्स्ट उन्होंने दिए। पहला था मनुस्मृति विद मनुभाष्य और दूसरा था कमेंट्री ऑफ मनुस्मृति। तो ये तो दोनों टेक्स्ट थे, इसको और ये जो अमेंडमेंट उन्होंने करिकुलम में किया इसको दिल्ली विश्वविद्यालय ने रिजेक्ट किया। ऐसा कुछ भी दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रपोजल को काफी विचार के बाद में रिजेक्ट कर दिया विश्वविद्यालय। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर